Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Dream Series Episode 10 Part 2 Spoiler. तो वन उसे कहते हैं आई लव यू एंड तुम मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो. किम उसकी ओर बस साइलेंट होकर देखती है. वन वेट कर रही थी किम कुछ बोले. उन दोनों के बीच एक अजीब सी साइलेंस थी. वन अपने हाथ को ग्रैब करके वहाँ पर खड़े थे. किम सरेली उसे किस करती है और वो डोर की ओर जाती है. तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो. अगर ऐसा दिन कभी आए कि मुझे तुम और मवीन के बीच चूज़ करनी होगी तो मैं ऑलवेज तुम्हें चूज़ करूँगी. तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं भाग सकती हूँ. दैट्स मीन जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है. वन सरप्राइज थी इसीलिए किम उसके पास आती है और उसकी वेस्ट को होल्ड करते हुए वो उसे डोर की ओर लेके जा रही थी. पर वो विनिंग ड्रेस और स्लीपर्स की वजह से वो दोनों लेट हो रही थी. बट जैसे ही वो दोनों डोर से बाहर आती है वहाँ वन की फ्रेंड समान और माली मिल जाती है. वो दोनों सरप्राइज थे और ये सोच रही थी कि यहाँ चल के रहे हैं. किम जल्दी से कहती है हमारे पास टाइम नहीं है, हम कल आपको सब कुछ बताएंगे और वहाँ से जाने लगती है. माली कहती है हे नो वन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी की गर्लफ्रेंड को चुरा रहे हो. अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम्हें पता है ये शादी टूट जाएगी और किम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो भी एक स्टार है और माविन भी बहुत रिच है. कहीं ना कहीं ये एक सेलिब्रिटी की शादी हो रही है. तुम्हें कोई आइडिया भी है बाहर किम के लिए सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं. माली की ये बात सुनकर किम और वन एक दूसरे की ओर देखती है. किम कहती है क्या होगी अगर मैं वन के साथ भाग जाऊंगी तो, और वैसे भी ये मॉविन के पेरेंट्स के बिना ही हो रही है और इस शादी में उनकी कोई ब्लेसिंग नहीं है. जो भी अरेंज किया गया है सब कुछ एक इन्वेस्टमेंट है. वन कहती है और इस टाइम पे ये सब कुछ एक सोशल स्टेटस है जिसे मैं और किम तोड़ रहे हैं, हम यहाँ से भाग जाएंगे. माली कहती है फिट अगर तुम दोनों भाग जाओगे तो तुम्हें पता है इसकी ब्लेम किसके ऊपर जाएगी, किम के मॉम के ऊपर. माली कोशिश करती है वन को समझाने की. किम इंटेलिजेंट गर्ल है और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है. अगर तुम दोनों आज भाग जाते हो तो शायद किम हैप्पी होगी पर ये चीज़ तुम्हारे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करेगी. और अगर तुम उसे अभी लेकर नहीं भागते हो तो धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो सकती है. तुम सबको बता सकते हो कि तुम किम से शादी करना चाहते हो. वन जल्दी से रिप्लाई करती है पर अगर इस टाइम पर मैं किम को लेकर नहीं गई तो उसकी शादी हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती, जबकि किम ने भी फैसला कर लिया है कि वो मेरे साथ लाइफ बिताएगी और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी ताकि किम को उससे शादी करने ही ना पड़े. इवन दैट अगर इस चीज़ से मुझे अपने सुपरस्टार स्टेटस छोड़नी भी पड़ती है तब भी मैं रेडी हूँ. सो किम, व्हाट अबाउट यू, व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या तुम यहाँ रहने वाले हो या फिर मेरे साथ जाने वाले हो. वन कहते हैं यही मेरी लास्ट चांस है तुम्हें चूज़ करने की और तुम्हारे साथ रहने की. वन किम के हाथ को होल्ड करती है. वन कहती है आर यू श्योर ना, तुमने अच्छे से सोच लिया. वन कहती है वैसे तुमने भी तो मुझे ही चूज़ किया ना अपने सोशल डेटस को छोड़कर. माली कहती है तुम दोनों को लेकर बहुत गॉसिप आएगी सोशल मीडिया पर. किम कहती है और ये चीज़ सबसे ज़्यादा वन के ऊपर ही इफ़ेक्ट करेगी. वन कहती है वो सब कुछ मैं देख लूँगी पर तुम्हारी शादी हो रही है ये मैं नहीं देख सकती. पूरी वर्ल्ड मुझे लेकर क्रिटिसाइज़ करेगी पर बेटर देन कि मैं किम के साथ रुकूँगी और अपनी लाइफ की एंड तक मैं उसके साथ बिताऊँगी. वन की फ्रेंड्स कहती है ओके, अगर तुम लोगों ने ये फैसला कर लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते. किम के मॉम के साथ सब कुछ डील करो और जो भी काम बाकी है वो सब ख़त्म करो और आज ही तुम दोनों भाग जाओ. एज अ फ्रेंड्स हमारी जॉब बस यहीं पर ख़त्म होती है. उन दोनों की फेस पर स्माइल थी
मानो जाने से पहले ये उनकी कुछ बाय है। और शायद क्यों डेज, तो यहाँ पे ये पार्ट एंड होती है। इसके नेक्स्ट पार्ट 8:45 को मैं अपलोड करूँगी। बाय क्यूटीज़।